नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां हम हर दिन लेकर आते हैं एक नई रेसिपी, वो भी 51 दिनों में 51 रेसिपी के इस सफर में। आज है दिन 16 और आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही हल्का, हेल्दी और स्वादिष्ट वेजिटेबल सूप। वेजिटेबल सूप ना सिर्फ खाने में लाजवाब होता है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। ठंड का मौसम हो या बरसात का, इसे पीकर आपको मिलेगी गर्माहट और ताजगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वेजिटेबल सूप बनाने के लिए हमें चाहिए एक बारीक कटी हुई गाजर, एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, एक बारीक कटा प्याज, एक से दो फूल गोभी के, आधा कप स्वीट कॉर्न, एक टमाटर की प्यूरी, एक चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, एक चम्मच काली मिर्च पाउडर नमक स्वाद अनुसार, दो चम्मच पानी में घुला हुआ कॉर्न स्टार्च, एक चम्मच मक्खन और चार बड़े कप पानी। सबसे पहले हम एक पैन में एक चम्मच मक्खन गर्म करेंगे। जब मक्खन पिघल जाए तब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और अदरक लहसुन की पेस्ट। इसे हल्का गुलाबी होने तक भून लें। अब इसमें डालेंगे सारी बारीक कटी हुई सब्जियां, शिमला मिर्च, फूलगोभी, गाजर और स्वीट कॉर्न। इन्हें 3 से 4 मिनट तक हल्का सा सौते कर लें ताकि सब्जियां थोड़ी मुलायम हो जाएं। अब इसमें डालें टमाटर प्यूरी और अच्छे से मिला लें। अब हम इसमें डालेंगे 4 कप पानी। जब पानी उबलने लगे इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नस्टार्च पानी में घुला हुआ और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब बारी है मसाले डालने की। हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च और नमक स्वाद अनुसार। इसे अच्छे से मिला लें और धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकने दें ताकि सब्जियों का सारा स्वाद सूप में आ जाए। देखिए हमारा गर्मा गर्म सूप तैयार है। हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा हेल्दी और टेस्टी वेजिटेबल सूप। इसे आप लंच या डिनर के टाइम एंजॉय कर सकते हैं और ये आपके दिन को बना देगा ताजगी और एनर्जी से भरपूर। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में बताइएगा कि अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और बनाते रहिए टेस्टी रेसिपीज़। बाय बाय।